सोशल मीडिया वॉर तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में समुद्री तट पर घूमने और स्नॉकलिंग की तस्वीरें साझा की, जो केरल के तट के पास लक्षद्वीप सागर में दक्षिणी भारतीय द्वीप की एक श्रृंखला है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंगलवार को चीन से भारत मालदीव विवाद के बीच ही उनके देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयास को तेज करने का आग्रह किया। चीन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन फुजियान प्रांत में मालदीव्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मुइज़्ज़ू ने चीन को अपने राष्ट्र का निकटतम सहयोगी बताया। चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास भागीदारों में से एक बना हुआ है। उनके भाषण के अनुसार उन्होंने 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मालदीव्स के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक रीडआउट के अनुसार कोविड से पहले चीन हमारा यानी कि मालदीव्स का नंबर एक बाजार हुआ करता था, और मेरा अनुरोध चीन से है कि हम ऐसी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करें। इस बीच मालदीव्स मीडिया ने बताया कि दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप पर एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा PTI की रिपोर्ट्स के अनुसार हमें पता चला है। पोस्ट में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय मालदीव्स या किसी अन्य द्वीप राष्ट्र का कोई उल्लेख या संदर्भ नहीं किया गया। हालांकि फिर भी द्वीप समूह के सुंदर दृश्यों ने मालदीव्स के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को किसी तरह से नाराज कर दिया, सोशल मीडिया पर वॉर छेड़ दिया। भारतीय उपयोगकर्ता भारतीय प्रधानमंत्री की पोस्ट को मालदीव्स के कुछ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से कुछ आक्रामक नस्लवादी ज़ेनोफोबिक और अपमानजनक टिप्पणियां भी सामने आई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर भारतीयों के साथ साथ मोदी को भी निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई नफरत भरी टिप्पणियों में से एक मालदीव्स की युवा अधिकर्ता और कला उपमंत्री मरियम शियोना की थी, जिन्होंने लिखा, क्या जोकर है इसराइल के कठपुतली मास्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ, #visitmaldives #sunnysideoflife। शियोना ने सब डिलीट हो चुके पोस्ट में भारत की तुलना गाय के गोबर से भी की। शिवना के साथ उपमंत्री मलशा शरीफ ने भी लक्षद्वीप और भारत के पर्यटन अभियान के खिलाफ इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की। इस बीच मालदीव्स की प्रोग्रेसिव पार्टी के एक सदस्य अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भी एक तस्वीर साझा की, जिसे फ्रेंच पॉलिनेशिया के बोरा बोरा द्वीप का बताया गया और दावा किया गया कि ये मालदीव्स के एक द्वीप रिजॉर्ट की तस्वीर है। खैर, मालदीव्स में सूर्यास्त हो गया ये आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा। #मालदीव की यात्रा करें। क्रेडिट्स नरेंद्र मोदी, उन्होंने लिखा। मालदीव्स के सोशल मीडिया वॉर से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई? मालदीव्स के सरकार ने तुरंत उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया और 3 मंत्रियों को तुरंत निलंबित भी कर दिया। मालदीव सरकार ने एक बयान में कहा है कि वो सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि राय व्यक्तिगत भी है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया कि सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से जिससे नफरत नकारात्मकता न फैले और मालदीव्स और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।